सखी बहिनपा मैथिलानी समूह मधुबनी इकाई के द्वारा जहां वृक्षारोपण किया गया है वहां वही कई महिला पत्रकारों समेत कई महिलाओं को जो है सम्मान भी दिया गया है, इस पर क्या कहना है? सखी बहिनपा के सभी सदस्यों को मैं ढेर सारा शुभकामनाएं और अभिनंदन करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ बड़ी संख्या में महिला सब यहाँ पे साथ में है, ये समूह काफी अच्छा अपने आप में ये काम कर रहा है और इसका बेस्ट मैसेज आपने देखा कि महिला दिवस और होली के अवसर पर वृक्षारोपण ट्री प्लांटेशन करके कैसे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी की ओर, वन की ओर, काफी अच्छा मैसेज किया गया है इस ग्रुप के द्वारा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं इनको और बधाई। मेरे को बहुत ज्यादा ही खुशी महसूस हो रही है कि भविष्य में अगर मैं इनके कुछ काम आ सकूं, इनके संघ के काम आ सकूं, क्योंकि इनके ओर से मुझे काफी सपोर्ट मिला है। ब्लड डोनेशन कैंप में भी महिलाओं की ओर से, छाया जी की ओर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। तो मैं हमेशा ओपन हूँ इन लोगों के लिए, अगर इन लोगों को कभी भी लगता है कि चेयरमैन साहिबा का हमको चाहिए कहीं पे हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो मेरा सौभाग्य होगा कि हम आगे बढ़ के इन लोगों के साथ रहें। कुछ महिला पत्रकार भी यहाँ थी, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? महिला पत्रकार आप देख रहे हैं, युवा महिला पत्रकार सब है यहाँ पे। एट द एंड महिला महिला होती है, तो वुमेन्स डे है, होली है, वुमेन पावर हमेशा माइक के बैकफुट में ही नहीं, माइक के फ्रंट फुट में भी बोलने के लिए है। और ये आपको आज दिखेगा कि होली कार्यक्रम में जैसे कि छाया जी ने कहा, पुरुषों के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट महिलाओं के लिए ऐसे क्राउड में जाना, लोगों से बाइट लेना, उनके मूवमेंट्स कैप्चर करना और वही जनता को दिखाना सब जगह के कार्यक्रम कि आज कैसे होली मन रहा है इस ब्लॉक में, इस पंचायत में, इस गांव में, ये जिस तरह से बच्चियां कर रही हैं तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को इस काज के लिए। धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से मैं सभी मधुबनी जिला वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। साथ में अपील कर रही हूँ, प्लीज ऑर्गेनिक कलर से ही खेलिएगा, दूसरों को हानि ना हो सके। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, दूसरों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जैसे कहते हैं कि होली में रंग से रंग मिल जाते हैं, दिल से दिल मिल जाते हैं, सब लोग से यही आशा और उम्मीद है कि रंग अच्छे से खेले। आज शबे बारात भी है, तो मीडिया के माध्यम से शबे बारात की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप क्या कहेंगी? हम ये कहब जे हमर सबके जे संस्थापिका छथिन आरती झा, वो बहुत दूरदर्शिता महिला छथिन। वो हम सब तो आब ई महिला दिवस बुझ लगलिए है, जहिया से समूह में जुड़लिए है, सुनै छलिए जे महिला दिवस छे, लेकिन कतौ जाय नहीं छलिए क्या कि ओते मंच नहीं भेटल छलै। लेकिन ई सखी बहिनपा के मंच जहिया से भेटल है, तहिया से हम सब एकटा अपना अलग ढंग से हर महिला संघ भ क एकटा महिला दिवस बहुत नीक ढंग से मनबै छी। कहियो गाछ लगा कऽ, कहियो कोनो डोनेट क कऽ, किछो क कऽ महिला दिवस मनबै छी हम सब एहि ढंग से। और मतलब आई बच्चा सब के जे हम आई बजेलहुं है, वो हम हृदय से कहे छी, हमरा बड्ड खुशी होई है जे हमरो बेटी पुतो काज करी है, लेकिन वो महानगर में करी है। लेकिन ई बच्चा सब जत काज करी है, जत आई मैनेजमेंट क कई हमर जिला अध्यक्ष जी छे, ई जे इनकर सोच और कर्मठता, आई बच्चा सब के कर्मठता एकटा समाज के नया दिशा दऽ रहल छे। नया नया बच्चा सब जे पैघ भ रहल छे, वो सब सोच लेलकै है कि नै हमरा सब के करै लेल मधुबनियों में बहुत है चीज है, हम सब करब मिथिला में करब। से तो बहुत निक लागल है, सब आदमी मिल कर सहयोग कलत है और समय निकाल कर अलत है, जन कि इनका मन खराब छलन लेकिन तैयो ही हमरा ले लेलत, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अहाँ सबके माध्यम से सबे बरात, महिला दिवस, होली के सबके मिथिला वासी के खूब खूब शुभकामना, खूब खूब बधाई, नीक से होली मनाओ। बच्चा सब नवयुवक वर्ग के कनी नशा कम करू होली में, एक्सीडेंट नहीं करू, और माँ बाप के ई करियो जे घर हम वापस आए, क्याकि होली के रात बहुत खराब गुजरे छे। मिथिला के हम बात करे छी, बाहर के नहीं, कि माँ सब इंतजार करित रहे छथिन बच्चा सब कतौ से कतौ हॉस्पिटल पहुंच जाय छथिन, तब प्लीज रंग खिलाओ, आराम से खिलाओ, नशा नहीं करू। धन्यवाद।
सुंदर मैथिली बाजै छथिन जे किछु करै छथिन। टिपिकल मिथिला का सम्मान सुंदर मैथिली बाजे और बहुत नीक काज है महिला दिवस के अवसर पर पुरुष संध्या पर ही रखने है। और हमर सबहक जिला जिला के अंसाई क्षेत्र गुलाब बिंदु गुलाब यादव मधुबनी जिला के नहीं पूरा विश्व में हमर सबहक नाम हुए तो हिंदा बहुत बहुत हम सब आभार व्यक्त करे छे नेता पर जे आई के हमरा सबके प्रकाश के लेने और आई होली है। और जते कहिठाम हमर सबहक श्रीमान छी जते मीडिया कर्मी जते सब पत्रकार पर जे हमर सखी के धिया पुता सब छथे भाई बंधु छी सबहक हम आभार प्रकट कऽ रहल छी। और सबके से आई होली के पूर्व संध्या और महिला दिवस के पूर्व संध्या पर हम छाया मिश्रा सखी बहिनपा के तरफ से अहाँ सबके अभिनंदन और स्वागत करै छी। आज हमरा सबके बीच में एकदम नव युवा मतलब नव ललना धिया हमर मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जे एते कम उम्र में एते सुंदर सबका कर्म छले जी देखनाय मुश्किल भेटत जे एते नीक से एकटा जनता संगे जे एकटा होइ छै एकटा तालमेल बैसेनाय ओ हम हिनका देखलहुँ जे पहिल बेर देख कऽ लागल जे नहि एहन नवयुवक लड़की सबके आगू एनाय बहुत आवश्यक छै तखने हमर सबके समाज में सुधार है। और ओहि संग लागल कि ई जे बच्चा सब अइ जे पत्रकार बच्चा सब अइ एकर सबके जे जीवटता देखै छी जे एते असाध्य भीड़ में घुसि कऽ उत्पटान चिपनी सहै भीड़ के धकेले और आगू जाकर एहन एहन काज करैया पत्रकारिता के बाहर दिल्ली बम्बई में तो कह लेते महानगर में कह लेते लेकिन एक छोट शहर मिथिला के मधुबनी छै ओहि में ई काज केनाय बहुत मुश्किल काज छै। ई हमर हिसाब से जे कि बच्चा सब करैया काल ताली अहाँ सब जरूर दियो बाद में फोटो खिंचा लै जाय जा। और हमरा सबके जे आगू में समस्या सब आबि रहल अइ यदि हिनका सब एहन अध्यक्ष सन के हमरा सबके दू चारिटा प्रशासन में सेहो आबि जाय तऽ समाज तऽ सुधरबे करतै और संग संग छोट छोट लड़की सब और लड़का सब के एकटा नया दिशा भेटतै कि काज केना कयल जाइ छै जे पढ़ल लिखल मैनेजमेंट के ने बाहर से पढ़ाई लिखाई कऽ कऽ और मधुबनी एहन शहर में आबि कऽ और हमरा सबके एकटा नीक मतलब मार्गदर्शन कऽ रहल छथि। अब हम बिंदु गुलाब यादव जी से कहबे कनि दू लाइन आइ गो कोई नहीं ताली बजा देते। सबसे पहले इस समूह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोगों ने आज मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा सम्मान किया आप लोगों ने आमंत्रित किया छाया जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत दिन पहले से ही इन्होंने मुझसे टाइमिंग ले लिया था मुझे इंश्योर लगा था कि मैं यहाँ पे जरूर आऊँ। आपने मेरी तारीफ में बहुत ज्यादा ही बोला है मैं हमेशा आप ही लोग का आशीर्वाद है आप ही लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं इसलिए मैं इतना काम भी कर पाती हूँ। दो दिन का लगातार मेरा हेक्टिक कैलेंडर था उसके बावजूद आज मुझे लाई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको मुझसे बहुत अपेक्षा है
और उसको मैं निराश नहीं करना चाहती हूँ। आप लोगों को कभी भी आपके समूह को अगर मेरी कभी जरूरत पड़े, क्योंकि मार्च लेवल पे आप लोग महिलाओं की समस्याओं को एकदम करीब से देखते हैं, उसको हल करने का आप लोग प्रयास खुद करते हैं, एक अपने ही लेवल पे आप लोग का समूह है जो काफी हद तक मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में भी देखा, आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा महिला लोगों का उसमें, और आज भी मैं देख रही हूँ कि महिला को जिस तरह से आप सम्मान कर रहे हैं और जितना चाह रहे हैं कि महिला आगे बढ़े, आप लोगों को खुशी होती है। इसलिए आप लोगों की अपेक्षा है कि युवा चेयरमैन है ये कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोगों के लिए भी समूह में कहीं हम लोग अगर फंस रहे हैं या कोई समस्या चाहिए, प्रशासन से कोई मदद चाहिए, पॉलिटिकल विंग से कोई मदद चाहिए, ये अपेक्षा निश्चित आप लोग मुझसे रखिए, मैं जरूर इसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। आज होली भी है और महिला दिवस के भी अवसर पर आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, आप लोग के माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से सभी को होली की और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ। सबसे बेस्ट काम हम आज के दिन जो करने वाले हैं ट्री प्लांटेशन, वृक्षरोपण, तो इससे नेक काम क्या हो सकता है महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, तो इस नेक आइडिया के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।